अल्लाह एवरी एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे तो आज का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है तो आज के ज़माने में बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ पिज़्ज़ा बर्गर और रोल्स के पीछे भागते हैं और अम्मा लोग चाहती हैं कि हम क्या हेल्दी दे दें दे अपने लाडले को तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं पाँच रेसिपीज़ बताऊँगी फ़ाइव डेज़ के लिए स्कूल टिफिन के लिए तो आज मैं टिफ़िन में देने वाली हूँ होममेड चिकन बर्गर और उसके लिए जो है मैंने कैप्सिकम तीनों कलर के और ऑनियन और ग्रीन चिली और धनिया की पत्ती पुदीना और लहसुन और चिकन इन सब को मैंने फूड प्रोसेसर में डाल दी हूँ और एक साथ मैंने चॉप कर लिया है अब इसको मैं एक बोल में निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी अब जो है मैं इसकी बर्गर पेटिस बनाऊंगी तो बड़ी बड़ी पेटिस बनाना है जैसे बर्गर के पेटिस होती है हम लोग जो बाहर से मैकडोनल्ड्स वगैरह की खाते हैं उस तरह से बन के साइज़ की बड़ी बड़ी पेटिस बना के मैं इसको सब रेडी कर लूँगी तो ये देखिए सारे पेटिस जो हैं वो मैंने बना ली हूँ कुछ मैं इसमें से अभी तलूँगी और कुछ मैं जो है उठा के फ्रीज़ कर दूँगी तो जब सुबह का टाइम आता है तो मैं इसको जो है तल देती हूँ और इसको देखिए ज़्यादा शैलो फ्राई करना है डीप फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है तो तेल भी जो है वो कम ही लगता है ये भी हेल्दी चीज़ है एक और उसके बाद देखिए अब हम लोग जो है चीज़ स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे तो इस तरह से ना वो चीज़ जो है वो मेल्ट होकर बर्गर पेटिस के ऊपर चिपक जाएगी अब यहाँ पे बन में मैंने मेयोनीज लगा दी हूँ और जो है मैं ऑनियन स्लाइस रखूंगी अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद है तो इसको स्किप कर दीजिएगा और उसके बाद हम लोग जो है वो फ्राई की हुई पेटिस रखेंगे तो ये देखिए चीज कैसी चिपक गई है और उसके बाद जो है मैं इस पर एक लेट्यूस रख दूंगी तो ये हमारा होम हेल्दी सा बर्गर वो रेडी है तो ये देखिए कितना अच्छा सा जो है इसमें से चीज़ ऊज हो रही है एकदम बाहर वाला लुक आ रहा है जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह से लेते हैं और अगर आप चाहें ना तो इसको जो है सिक्योर करने के लिए बेकिंग पेपर से जो है या पाँच पेपर से रैप कर देंगे तो ये अपनी जगह पे रहेगा और अगर चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं तो इसके साथ जो है ना मैं बर्गर के साथ आज दे रही हूँ कुकीज़ डेज़र्ट के लिए क्योंकि कुछ खा खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है तो हमारा मंडे का जो है लंच बॉक्स वो रेडी है और फलक भी यहाँ रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए तो फ़लक का आज जो है वो पी डे है इसलिए उसने वाइट यूनिफॉर्म पहनी है और ट्यूसडे को जो है मैं आज पनीर रैप दे रही हूँ तो ये पनीर रैप भी ना बहुत ईजी और झट से बनती है तो पनीर को जो है मैंने छोटी छोटी टुकड़ों में कट कर ली हूँ और साथ में जो है मैंने कैप्सिकम ले ली हूँ तीन कलर की जिसको मैंने बड़े बड़े कट कर ली हूँ और ऑनियन है उसको भी जो है बड़े बड़े मैंने कट कर ली हूँ सो so, ये कटिंग वाला काम जो है अगर आप रात में कर लेंगे ना तो सुबह में जो है ना वो काफ़ी टाइम बच जाता है अब पनीर में वन टी हल्दी ऐड कर दी हूँ और रेड चिली पाउडर वन टी और हाफ़ टी स्पून जो है वो मिक्सड हर्ब्स मैंने डाल दी हूँ और ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून और ये तंदूरी मसाला है इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा तो वो भी हाफ टी स्पून के करीब मैंने ऐड कर दी हूँ और सॉल्ट टू टेस्ट और जो रेड चिली फ्लेक्स आता है ना वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दी हूँ वन फोर्थ टी और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट है हाफ़ टी स्पून ईच और कसूरी मेथी है थोड़ी सी अब इसको जो है हम लोग मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है अब बस एक नॉनस्टिक पैन में ऑयल डाल के पनीर को जो है मैं पकने के लिए रख दूंगी सो 10 मिनट के अंदर जो है वो पनीर रेडी हो जाती है बिल्कुल टाइम नहीं लगता अगर आप चाहें तो रात से ही ये मैरिनेशन करके आप रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो रात में ही ये पूरा पनीर का मिक्सचर बना के रेडी रख सकते हैं तो सुबह में सिर्फ़ रोल बनाना हो पनीर का और ये फ्रिज में भी ना आसानी से दो तीन दिन चल जाती है तो ये पनीर रेडी हो गई है और इसके अंदर मैंने स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर दी हूँ अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको जो है रैप कैसे करना है तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टॉर्टिला रैप्स ले ली हूँ और उसके अंदर मैंने सिर्फ़ एक तरफ स्लिट लगाई हूँ और उसके फर्स्ट सेक्शन में जो है मैं यहाँ पर मायनीज लगा रही हूँ और अगर आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं और सेकेंड सेक्शन में जो है मैंने यहाँ पर लेट्यूस रखी हूँ और साथ में जो है टोमेटो अगर टोमेटो नहीं पसंद है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं और थर्ड सेक्शन में है मोजरेला चीज़ और मोजेला चीज़ अगर आपके पास नहीं तो चीज़ क्यूब्स भी रख सकते हैं और फोर्थ सेक्शन में जो है मैं पनीर का बैटर डाल रही हूँ तो ये देखिए ये बहुत ही ट्रेंडी वायरल रैप है पनीर रैप जो बहुत चला था बीच में और इसको फोल्ड कैसे करना है ये देखिए इस तरह से एक के ऊपर एक ओवरलैप करना है इसको तो अभी है ना ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है जैसे रैप करने के लिए लेकिन एक बार जब हम लोग इसको गर्म करेंगे चीज़ मेल्ट हो जाएगी ना तो सब एक के अंदर एक चिपक जाएगा और अगर आप ऐसा रैप नहीं बनाना चाहते हैं ना तो सिंपली आप इसको जो है ना रोल की तरह भी बना के दे सकते हैं तो यहाँ पे ना ग्रिल पैन ले ली हूँ और उसको जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर ली हूँ और उसके बाद ये सैंडविच हम लोग रख देंगे और इसको ना थोड़ा सा दबाना है थोड़ी देर के लिए ताकि वो चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए और सब चिपक जाए और दूसरी तरफ से भी जिसको मैंने स्प्रे कर दी हूँ ऑयल से तो ये देखिए ये हम लोगों का पनीर रैप जो है वो रेडी है और ये देखिए सारे मिक्सचर एक के अंदर एक चिपक गए अब कुछ भी नहीं गिरेगा इसमें से और फिर भी जो है इसको सिक्योर करने के लिए ना मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि टूथ पिक से जो है इसको मैं खोज दूंगी क्योंकि टिफ़िन के अंदर इसको डालना है टिफ़िन बॉक्स हिलेगा यहाँ वहाँ तो इसलिए जो है मैं इसको सिक्योर करने के लिए ये दोनों टूथ लगा दूँगी तो ये पनीर रैप आज के लिए रेडी है और आज की पनीर के पनीर आपके साथ मैं डेजर्ट के लिए दे रही हूँ चॉकलेट कप और साथ में जो है वो फ्रूट्स सो हेल्दी सा टिफ़िन वो रेडी है तो बच्चे भी खुश और बच्चों की अम्मा भी खुश और आरिस जो है वो यहाँ रेडी हो गया है और मैं जा रही हूँ आरिस को स्कूल ड्रॉप करने के लिए तो वेन्सडे को टिफ़िन में मैं दे रही हूँ स्पेगेटी तो यहाँ पानी में मैंने नमक डाल के स्पेगेटी बॉईल होने के लिए रख दी हूँ तो जब तक स्पेगेटी बॉईल हो रही है यहाँ पे मैं चिकन के पतले पतले स्लाइसेस काट दूंगी ताकि चिकन एकदम जल्दी से गल जाए सो जो लोग वेजिटेरियन है ना वो लोग ये चिकन को स्किप कर सकते हैं और उसके बजाय जो है पनीर के पीसेज़ ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियन और कैप्सिकम सबको कट करके रेडी रख दी हूँ टिफिन में देने के लिए ना स्पेगेटी में हमेशा रात से ही बॉईल करके रखी रहती हूँ लेकिन आपको दिखाना है इसलिए मैं आपको पूरा स्टेप दिखा रही हूँ स्टार्टिंग से तो यहाँ पैन में मैंने ऑयल गरम कर दी हूँ और उसके अंदर मैंने ऑनियन डाल दी हूँ और ऑनियन को ना बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है बस पिंक हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम लोग चिकन के पीसेज ऐड कर देंगे और उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको भूनेंगे तो वाइट वाइट सा जब चिकन हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर हम लोग सॉल्ट ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको मिक्स करके इसको गलने के लिए छोड़ देंगे तो चिकन इतना पतला है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो ये देखिए ये चिकन जो है वो परफेक्टली कुक हो गया है ब्राउन ब्राउन से पैचेस पड़ गए हैं और एकदम इसमें कोई स्मेल भी नहीं है अब इसके अंदर जो है हम लोग सब्जियां ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं सिर्फ कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ रेड और ग्रीन कलर की आप चाहें तो गाजर वाजर भी डाल सकते हैं और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने वन टेबल स्पून भर के वो सोया सॉस ऐड करी रही हूँ और वन टेबल स्पून भर के विनेगर और वन टेबल स्पून भर के रेड चिली सॉस तो आरिस भी खाएगा इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रही हूँ इसको सो so, मिर्चा जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और यहाँ पे ना मैं जो चिकन क्यूब्स आता है ना मैगी का वो मैं एक डाल दे रही हूँ इससे फ़्लेवर बहुत अच्छा आएगा और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे चेरी टोमेटोज़ ऐड कर दी हूँ तो इसको जो है ना बड़ा ही बड़ा काट के डालना है नहीं तो ये गल के एकदम पता ही नहीं चलेगा और ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप नहीं चाहते हैं तो मत डालिए और फिर स्पेगेटी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे सॉसेज़ जो है ना वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह और लास्ट में इसके अंदर मैंने डाल दी हूँ स्प्रिंग ऑनियन और आज फ्रूट्स को ना मैं इस तरह टूथ पिक में लगा के दे रही हूँ तो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन और कीवी ली हूँ इस तरह से टूथ पिक में देने से ना बच्चे लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है और कुछ ना कुछ फ्रूट्स तो उन लोग खा ही लेते हैं इस तरह से तो आज जो है मैं यहाँ पे डेजर्ट के लिए माश दे रही हूँ और कभी कभी जो है ना मैं स्पेगेटी की बजाय जो है वो पास्ता भी देती हूँ तो हफ्ते में एक दिन जो है ना वो मैं बच्चों की पसंद का जो है वो लंच प्रिपेयर कर देती हूँ टिफ़िन के लिए सो इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और अम्मा लोग भी सो so, अफ़ान की बस आ गई है और सबसे पहले जो है वो अफ़ान स्कूल जाता है और आज थर्सडे को जो है मैं टिफ़िन में दे रही हूँ वेज हॉट डॉग और उसके लिए मैंने दो आलू जो है वो बॉईल कर ली हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हूँ जैसे कि है ये ग्रीन पीस और कॉर्न और कैप्सिकम है तीन कलर में अगर आपके पास एक कलर में है तो एक ही लीजिए और दो ब्रेड की स्लाइस लगेंगी तो ऊपर नीचे वाला ब्रेड जो होता है ना जो यूज़ में नहीं आता वो मैंने ले ली हूँ तो सबसे पहले ब्रेड को जो है हम लोग फूड प्रोसेसर में डाल के पहले एक बार चला लेंगे और फिर उसी फूड प्रोसेसर में ना हम लोग सारी सब्जियां और हरा मिर्चा और हरी धनिया ये सब एक साथ डाल के जो हम लोग इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे तो ये इतना इजी होता है और मतलब सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं वो भी ये खा लेते हैं क्योंकि इसमें जो है ना सब इतना बारीक पीस जाती है कि कुछ पता ही नहीं चलता है तो यहाँ पे ना पनीर के पीसेस मैंने ली थी और पनीर को हाथ से क्रम्बल करके डालना है उसको फूड प्रोसेसर में मैंने नहीं चलाया है और उसके बाद इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे हम लोग बॉइल्ड और साथ में जो है ना एक मुट्ठी जो है मैं मोजरेला चीज़ ऐड कर दूंगी और ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी और उसके बाद जो है वो भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से और उसके बाद इस सब चीज़ को जो है हम लोग मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए ये कितना अच्छा सा बैटर जो है वो रेडी हो गया है और देखने में भी इतना टेम्पिंग लग रहा है और इसको जो है ना मैं आज लंबा लंबा शेप दे रही हूँ तो शेप भी अगर बदल के हम लोग बनाते हैं ना तो बच्चों को लगता है कि कुछ नया आइटम मिल रहा है तो थोड़े जो हैं वो मैं लंबे लंबे बना दे रही हूँ और थोड़ी थोड़ी जो है वो मैं ऐसी तरह पेटिस के शेप में बना दूँगी और यहाँ पर ना मैंने सेवई ली हूँ इसका ऑल्टरनेट है ब्रेड क्रम्स बस इसको जो है आपको रोल कर देना है अच्छी तरह से ये कोट कर लेंगे हम लोग इसको और फिर हम लोग एक नॉनस्टिक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके इसको फ्राई कर देंगे गोल्डन होने तक ये बहुत इजी है और बहुत अच्छा लगता है टेस्टी बहुत लगता है और इसको जो है ना मैं समून में भर रही हूँ ये जो लंबा वाला पाव है ना इसको समून बोलते हैं तो इसके बीच में जो है मैंने मैनीस लगा दी हूँ अगर आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं और उसके अंदर जो है मैंने लेट्यूज डाल दी हूँ थोड़ा सा हेल्दी करने के लिए और फिर उसके बाद जो हम लोग ने रोल फ्राई करे थे वो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे सो इससे हेल्दी ऑप्शन और क्या मिलेगा आपको पनीर आलू और सारी सब्जियां वो सब पेट में चली गई बच्चों के और ये इतना हीवी होता है ना कि मतलब पेट भी ना बहुत देर तक के लिए फुल रहता है तो आज वेज हॉट डॉग के साथ जो है मैं डाइस एप्पल दे रही हूँ और साथ में मैं डिज़र्ट के लिए दूंगी चॉकलेट तो ये वेज हॉट डॉग को जो है ना आप ब्रेड पे भी ना सैंडविच की तरह से भी लगा के दे सकते हैं मैं तो बहुत सारा एक दिन बना के फ्रीज़ कर देती हूँ और कई दिन तब ये चलता है और फलक की बस भी आ गई है यहाँ पे फ्राइडे को जो है मैं टिफ़िन के लिए दे रही हूँ फ्राइड राइस तो चावल को जो है मैंने पकने के लिए रख दी हूँ राइस कुकर में तब तक मैं यहाँ पे जो है वो सब्ज़ियाँ कट कर लूँगी तो सब्जियों में बस मैंने गाजर ली हूँ और शिमला मिर्च ली हूँ और यहाँ पे ना ऑयल गरम हो गया था तो उसके अंदर मैंने अंडा फेंट के डाल दी हूँ और अंडे में नमक और काली मिर्च मैंने डाल के फेंट दिया था अब इसको ना भोर्जी की तरह से बना के बस इसको जो है निकाल लेना है और उसी सेम तेल में जो है मैंने डाली हूँ छोटे छोटे बारीक कटे हुए लहसुन और उसको थोड़ा सा जो है वो ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे पत्ते वाली प्याज की ऑनियंस जो होती है ना वो डालूंगी मैं थोड़ा सा ऑनियन जब पिंक हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग पतले पतले चिकन के स्ट्राइप्स ऐड कर देंगे और अगर आप चिकन नहीं खाते हैं ना तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर दें चिकन जब व्हाइट सा होने लगेगा ना तब उसके अंदर हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे और वन टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस तो सोया सॉस में भी नमक होता है इसलिए सॉल्ट कम ही ऐड करना है जब चिकन गल जाएगा तो उसके अंदर हम लोग कैप्सिकम डालेंगे और गाजर वैसे तो इसके अंदर कैबेज भी पड़ता है लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते हैं इसलिए मैंने नहीं ऐड करी तो आप अपने पसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे जो है ना वो चावल डाल दी हूँ मैंने वो ठंडा हो गया था तो वो मैंने ऐड कर दी हूँ उसके अंदर अच्छा गरम चावल डालेंगे ना तो लम्ब्स पड़ सकते हैं इसलिए चावल को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें तो बस यहाँ पे मैंने एक टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दी हूँ और वन टेबलस्पून विनेगर तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है राइस में और ये बेहतरीन सा जो है फ्राइड राइस रेडी है और हेल्दी भी है तो नमक भी ऐड कर दें अपने टेस्ट के हिसाब से तो रोज़ रोज़ जो है वो पिज़्ज़ा और बर्गर और पास्ता तो नहीं चलेगा ना एक दिन तो रोटी और एक दिन जो है वो चावल भी होना चाहिए ना लंच में तो फिर आज का हमारा फ्राइड राइस जो है वो रेडी हो गया है और लास्ट में इसके ऊपर हम लोग स्प्रिंग ऑनियंस और फ्राइड अंडा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बच्चों को बहुत पसंद आता है ना तीखा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है तो आज जो है मैं टिफ़िन में फ्राइड राइस दे रही हूँ और साथ में जो है ना मैंने फ्रूट्स में रखी हूँ अनार तो ये थी मेरी पाँच दिन के लिए पाँच टिफिन की रेसिपीज़ कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और टिफ़िन रेसिपीज़ या और दूसरी रेसिपीज़ का वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा आरज़ यहाँ रेडी हो गया है मैं जा रही हूँ उसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है हम दो हमारे चार ब्लॉग्स तो फिर ठीक है आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़